तो बच्चों हम फाइनेंशियल ईयर्स की प्रोग्रेस को अभी मैप पे देखते हैं और पता लगाते हैं कि किस तरह ग्रो आपका हुआ है इकोनॉमिकली या ग्रो नहीं हुआ इकोनॉमिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसी रही है बच्चों जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2012 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2018 तक तो so जैसे कि आप देख सकते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2012 ट्वेल्व की तो तकरीबन आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ रेट थी वो तकरीबन 8.3 परसेंट रही है ये बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे है पाकिस्तान का और इसके अंदर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि 2018 तक किस तरह आपकी इकोनॉमी किस ईयर में ज्यादा बढ़ी है या नहीं बढ़ी ये आपको अंदाजा हो जाए उसके बाद नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर है दैट इज ऑफ ट्वेंटी 2013 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले 3.8 आपकी जीडीपी की ग्रोथ थी लेकिन 2013 में आपकी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ इतनी नहीं हुई बल्कि घट गई 3.7% हो गई आपकी नेक्स्ट देखते हैं हम जी फाइनेंशियल ईयर 2014 में 4.1 यानी कि आपकी जो पिछली दोनों 2012 और 2013 के जो फाइनेंशियल इयर्स हैं उससे बेहतर प्रोग्रेस देखी गई 2014 में 4.1% थी इसी तरह 2015 में अनफॉर्चूनेटली कोई इंक्रीज तो नहीं हुआ लेकिन अच्छी बात यह है कि डिक्रीज भी नहीं हुआ। तो 4.1% ही आपकी जीडीपी की ग्रोथ रही है फाइनेंशियल ईयर 2016 में देख लेते हैं कि क्या हुआ आपकी जो जीडीपी की ग्रोथ की परसेंटेज है ये रेट इंक्रीज हुआ 4.56 परसेंट तक यानी कि जब हम पिछला देखेंगे तो वो 2015 में 4.1 परसेंट था लेकिन 2016 में 4.56 परसेंट तक इंक्रीज हो गया अब बच्चों देखते हैं 2017 2017 में में क्या हुआ? 2017 में आपकी जो ग्रोथ देखी गई है जीडीपी में वो काफी बेहतर देखी गई है यानी कि 4.56 परसेंट से इंक्रीज हो गए फाइव परसेंट तक देखी गई है तो इसका मतलब है अभी तक 2017 तक सिर्फ बीच में एक 2013 में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर था वो लॉस में गया है बाकी कम ही सही पर काफी हद तक प्रोग्रेस में रहा है फाइनेंशियल ईयर 2018 जो कि लास्ट ईयर इसमें हमारी बुक में मेंशन हुआ हुआ है वो देख लेते हैं उसके अंदर अभी तक सबसे ज्यादा हमें प्रोग्रेस हुआ है एंड आरजीडी पी ग्रोथ परसेंटेज वॉर्स फाइव तो बच्चों आपको आई होप इस डायग्राम के थ्रू समझ आ गया होगा कि हमारे इकोनॉमिक सर्वे में फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी से लेके ट्वेंटी तक किस तर... तरह पाकिस्तान की जीडीपी की इंक्रीज हुई है